I can आपके लिए एक और नई वीडियो के लिए आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। तो आज के इस वीडियो में हम ताइवान वाले टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर का जो दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसके ऊपर इस चैप्टर में मेनली फोकस किया गया है चाइना � So, अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस के पार्ट्स को नहीं देखा है और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, या फिर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है देन दोनों ही वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए है एंड दोनों ही वीडियोज का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो प्लीज इट्स कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा ताकि आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए सो so सो so, आज के इस टॉपिक में हम, हम लोग ताइवान के स्टोरी के बारे में जानेंगे ताइवान की कहानी के बारे में जानेंगे सो so, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आखिर ताइवान है दिस मैप यू कैन क्लियरली सी दैट की यहाँ पे जो एक छोटा सा आईलैंड एंड नेशन है, सो so यही ताइवान है, जो कि चाइना के बहुत सामने है, इस चैप्टर में चाइना की स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया जापान की स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया सो so अब हम लोग ताइवान की स्टोरी को समझने वाले हैं सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक So Chiang Kai-shek defeated by the CCP fled in 1949 to Taiwan with over US dollar 300 million in gold reserve and crates of priceless art treasures. एंड स्टेबलाइज द रिपब्लिको प्रीवियस का अगर आप लोगों ने वीडियोज को देखा है सो so उस वीडियोज में हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली चाइना को रूल करने वाला जो पहला पार्टी था जो पहला नेशनलिस्ट पार्टी था वो था ग्यूमिंदांग पार्टी एंड उस पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था चियांग काय शेख सो so जब चियांगय शेख सी पार्टी से हार जाता है सो so, प्रीवियस के वीडियो में हमने यह भी डिस्कस किया था कि बेसिकली चाइना को गवर्न करने वाला जो दूसरा पार्टी होता है वो होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सो युमिंग पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में एक सिविल वॉर हुआ था एंड उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था वो जीत गया था एंड जो दूसरा पार्टी था नेशनलिस्ट पार्टी वो हार गया था सो so, उस पार्टी के जो लीडर थे यानी कि जो चियांग काशेख थे वो बेसिकली सी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से डिफीट हो गए थे सो so, डिफीट

को भी वो ताइवान लेके जाते हैं एंड ताइवान में फिर वो रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टेबलाइज करते हैं नाउ अब हम लोग ताइवान के थोड़ी से हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्या ताइवान पहले एक इंडिपेंडेंट नेशन हुआ करता था या फिर ताइवान के ऊपर किसी दूसरे कंट्री का कंट्रोल होता था यानी कि क्या ताइवान किसी दूसरे कंट्री का कॉलोनी हुआ करता था सो so बेसिकली ताइवान के ऊपर चाइना का बहुत पहले से ही कंट्रोल होता था यानी कि जो चाइनीज गवर्नमेंट था वही ताइवान के ऊपर रूल करता था ताइवान को चाइना का ही एक पार्ट माना जाता था सो बेसिकली जब चाइना एंड जापान के बीच में एक वार हुआ था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ एटीन एंड नाइन्टी एंड नाइन्टी

जो ताइवान था वो जापान का कॉलोनी हुआ करता था सो so, ताइवान ए जापानीज कॉलोनी सो ताइवान जो था वो बेसिकली एटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव से जापान का ही एक कॉलोनी था since the Chinese 1894 95 so, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चाइनीज गवर्नमेंट था इस टाइम पीरियड के दौरान so ताइवान को सीड कर दिया कि ताइवान को, जापान को सौंप दिया लेकर बेसिकली नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव तक ताइवान जापान का ही कॉलोनी रहता है सो so, बेसिकली ताइवान को किस तरीके से जापान से इंडिपेंडेंस मिलता है सो नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव में जब जापान हार जाता है इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर सो बेसिकली

में हुआ था एंड दूसरा था पोस्ट डैम प्रोक्लेमेशन जो कि 1949 में हुआ था सो so, इसी दोनों डिक्लेरेशन की वजह से आ, बेसिकली ताइवान को इंडिपेंडेंस मिलता है फ्रॉम जापान एंड चाइना का अगेन कंट्रोल हमें देखने को मिलता है ताइवान में यानी कि चाइना को सॉवरेन पावर मिल जाता है रूल करने का पावर मिल जाता है ताइवान को वंस अगेन यानी कि वो जो पावर था वो रीस्टोर हो जाता है उसको पुनः स्थापित कर दिया जाता है नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि फ़रवरी 1947 में ताइवान में मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन होता है यानी कि ताइवान के जो सिटीजन थे जो ताइवान पीपल थे वे लोग फेबर 1947 में बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हैं रिवॉल्व वगैरह करते हैं सो so इसकी वजह से जो जी था सो जी बेसिकली ग्यूमिंदांग पार्टी को ही कहा गया है जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी था सो so इसकी वजह से ये जो पार्टी था सो so इस पार्टी के लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया यानी कि ताइवान के जितने भी लीडिंग फिगर्स थे जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थे जो कि डिमोन्स्ट्रेशन को कर रहे थे प्रदर्शन को कर रहे थे सो बहुत सारे लोगों की बहुत ही निर्दयता से हत्या कर दिया गया सो so बेसिकली जब ताइवान चियांग का शेख के लीडरशिप के अंडर में आता है तन चियांग शेख ताइवान में रिप्रेसिव गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करता है एंड ताइवान के जो पीपल थे उन लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लिया जाता है यानी कि उन लोगों को जो बोलने का अधिकार था जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार था सो उस चीज़ को फॉरबीड यानी कि उस चीज को प्रोइवेट कर देता है बैन कर देता है और साथ ही साथ वहाँ पे पोलिटिकल अपोजिशन को भी बैन कर दिया जाता है यानी कि ताइवान के जो पीपल है वे लोग अपोज नहीं कर सकते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट यानी कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ बुरा भी कर रही है देन ताइवान के पीपल को ये अधिकार नहीं था कि इस पार्टी के खिलाफ इस पार्टी के अपोजिशन में ये लोग कुछ बोल सके और साथ ही साथ ताइवान के जितने भी लोकल पीपल थे जो लोकल पॉपुलेशन थे वहां पे रहने वाले जो सिटीजन थे अगर उनके पास कोई पावर था अगर उनका कोई पोजिशन था गवर्नमेंट में देन उस को भी उनसे छीन लिया जाता है उस पोजिशन से उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है

यानी कि अब हम देखेंगे कि ताइवान का किस तरीके से ग्रोथ होता है ताइवान किस तरीके से अपने आप को डेवलप करता है अपने आप को मॉडर्नाइज करता है अंडर द जीएमडी यानी कि अंडर यूमिनदांग पार्टी सो so ये जो पार्टी था ग्यूमिंदांग पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ चियांग शेख सो भले ही चियांग चियांगय शेख ने ताइवान के ऊपर रिप्रेसिव गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करके रखा था एंड वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखा था उनके फ्रीडम को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखा था बट साथ ही साथ उन्होंने ताइवान के डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था सर so, उन्होंने ताइवान में बहुत ज़्यादा लैंड रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया था जिसकी वजह से ताइवान में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी था एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है एंड ताइवान का जो इकोनॉमी था वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज होता है एंड नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवनटी थ्री तक ताइवान का जो जीएनपी था यानी कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था वो पूरा एशिया के सेकेंड पोजिशन में आ जाता है आफ्टर जापान सो बेसिकली अगर आप उस टाइम पीरियड में पूरे एशिया को देखेंगे देन उस टाइम पीरियड में पूरे एशिया में जापान सबसे फर्स्ट पोजिशन पे था जापान का जो जीएनपी था यानी कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था वो फर्स्ट पोजीशन पे था एंड उसके बाद जो सेकंड पोजीशन था वो बेसिकली ताइवान ने ऑक्यूपाई कर लिया एंड ताइवान का जो जीएनपी था वो सेकंड पोजीशन पे हो गया पूरे एशिया में सो so इससे हमें पता चलता है कि ताइवान में किस तेजी से डेवलपमेंट हो रहा था कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा था एंड इवन ताइवान एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड नेशन है सो so, इतने छोटे आइलैंड नेशन को मैनेज करना भी ये जो पहला पार्टी था पार्टी एंड जो चियांग शेख थे उनके लिए बहुत ज्यादा ईजी था सो द इकोनॉमी लार्जली डिपेंडेंट ऑन ट्रेड सो बेसिकली ताइवान का जो इकोनॉमी था जो अर्थव्यवस्था था वो बेसिकली ट्रेड के ऊपर यानी कि व्यापार के ऊपर ही ज्यादातर डिपेंडेंट था एंड ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था यानी कि ताइवान का जो ट्रेड था वो लगातार ग्रो कर रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि ताइवान में रिच एंड पोअर पीपल के बीच में जो डिफरेंसेस था जो गैप था वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था यानी कि वो भी लगातार डिक्लाइन कर रहा था सो so, इससे हमें और एक चीज पता चलती है कि ये जो युविदांग पार्टी था ये ना सिर्फ ताइवान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करवाता है बहुत ज्यादा ताइवान की इकोनॉमी को ग्रो करवाता है साथ ही साथ ये जो पार्टी था ये इक्वेलिटी का भी ध्यान रखता है कि ताइवान में कोई भी रिच या फिर कोई भी पोअर ना हो यानी कि कोई भी जो रिच पर्सन है वो रिच ना होते चले जाए एंड जो पोअर पर्सन है वो और ज्यादा गरीब ना होते चला जाए दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे सो so ये जो डिफरेंसेस था ये जो गैप था बिटवीन द रिच पीपल एंड द पोअर पीपल सो ये गैप भी लगातार डिक्लाइन हो रहा था एंड ईवेन जो सबसे ड्रामेटिक जो सबसे सरप्राइजिंग बात था वो ये था दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ताइवान इनटू अ डेमोक्रेसी यानी कि अब ताइवान में धीरे धीरे डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जा रहा था ताइवान का जो गवर्नमेंट था उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था उसको चेंज किया जा रहा था इंटू आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सो ताइवान में अब हमें धीरे धीरे से डेमोक्रेसी भी देखने को मिल रहा था ताइवान में अब डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जा रहा था बट ये जो प्रोसेस था डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना यह एक बहुत ही स्लो

1987 में मार्शल लॉ को हटा दिया जाता है ताइवान से so, ताइवान में so, फोर्सेस थे, थे, थे पूरे जो ताइवानीज पीपल थे उनके ऊपर उनका फुल कंट्रोल होता था फोर्स का इस्तेमाल करते थे इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए सो बेसिकली नाइनटीन में इस मार्शल लॉ को हटा दिया गया और साथ ही साथ ओपोजिशन पार्टीज को लीगली परमिट किया गया यानी कि जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे उन लोगों को लीगली परमिशन दिया गया कि आप भी इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हो सर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है आपके पास भी ये राइट right है कि आप खुद भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो सो so, जब आपको डेमोक्रेटिक राइट्स दिया जाता है यानी कि जब आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का अधिकार दिया जाता है इलेक्ट करने का अधिकार दिया जाता है देन आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन भी तो होना चाहिए अब एक कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी है एंड लोगों को वोटिंग राइट right दिया जाता है देन उसको ना चाहते हुए भी उसी पार्टी के ऊपर वोट करना पड़ेगा सो so, इसीलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यह भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप ऑपोजिशन पार्टी को फॉर्म करने का भी परमिशन दो So, जब पार्टीज रहेगा तभी आपके पास बहुत ज्यादा रहेगा कि आप किस पार्टी को जीताना चाहते हो किस पार्टी के मेंबर्स को वोट देना चाहते हो सो so, इसीलिए जो अपोजिशन पार्टीज था ताइवान में उन लोगों को भी लीगली परमिशन दिया गया कि आप भी इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हो सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के बाद ताइवान में फर्स्ट टाइम फ्री इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है ताकि जो लोकल ताइवानीज पीपल है यानी कि ताइवान के जो लोकल पीपल है जो लोकल सिटीजन है उन लोगों को भी पावर दिया जाए यानी कि उन लोगों को भी मौका दिया जाए कि वे अपने नेशन को अपने कंट्री को खुद गवर्न करेटिकली मोस्ट कंट्रीज हैव ट्रेड मिशन इन ताइवान यानी कि अगर आप राजनीतिक तौर पर देखोगे देन दूसरे कंट्रीज का बेसिकली ताइवान के साथ ट्रेड मिशन है यानी कि ट्रेड रिलेशन है बट फिर भी हमें फुल डाप्लोमेटिक रिलेशन या फिर एम्बेज देखने को नहीं

रीयूनिफिकेशन यानी कि जो ताइवान है एंड जो चाइना है जो मेन लैंड है वो आपस में यूनाइट हो जाए सो so ये जो क्वेश्चन है ये आज भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बट but... क्रॉस ट्रेड जो रिलेशन है यानी कि ताइवान एंड चाइना के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहा है एंड इवन जो ताइवानीज ट्रेड है एंड जो ताइवानीज इन्वेस्टमेंट है चाइना में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है यानी कि जो ताइवान के पीपल है वे लोग चाइना में ट्रेड करते हैं चाइना में इन्वेस्ट करते हैं सो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जो ट्रेड है अब ये बहुत मैसिव हो गया है बहुत ज्यादा हो गया है एंड इवन जो ट्रैवल है वो भी बहुत ज्यादा इजियर हो गया है यानी कि ताइवान के जो पीपल है वो बहुत ही आसानी से चाइना जा सकते हैं एंड चाइना के जो पीपल है वे भी बहुत ही आसानी से ताइवान में आ सकते हैं सो so ये जो ट्रैवल है ये भी बहुत ज्यादा ईजियर हो गया है आज के टाइम पीरियड में नाउ एट द लास्ट हमें बता रखा है दैट चाइना मे बी विलिंग टू टू अ सेमी ताइवान एज एज लॉन्ग इट अप एनी मूव सिक इंडिपेंडेंस यानी कि जो चाइना है वो एक सेमी ऑटोनोमस ताइवान को टॉलरेट कर सकता है वो भी विलिंगली यानी कि अपनी इच्छा से यानी कि जो चाइना है वो ताइवान के लोगों को ये परमिशन दे सकता है कि आप कुछ हद तक अपने कंट्री को खुद गवर्न करो सेल्फ गवर्नमेंट का जो परमिशन है वो चाइना के द्वारा दिया जा सकता है जो ऑटोनॉमी है यानी कि पावर देना टू रूल योर सेल्फ सो ये जो ऑटोनॉमी है सेमी ऑटोनॉमी यानी कि आधा ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जा सकता है ताइवनीज पीपल को तब तक जब तक वे लोग

ताइवान को जापान को दे देता है एंड तब से लेकर so, जो, so, जो पावर था जो अधिकार था रूल करने का वो मिल जाता है सो so, उसके बाद क्या होता है सो so, ताइवान में बेसिकली पार्टी था वो रूल करता है अंडर चियांगेख so, चियांग बहुत रिप्रेसिव गता है बाद में और साथ ही साथ ताइवान के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स वगैरह करता है सो so, उन्हीं की वजह से ताइवान पूरे एशिया का सेकंड पोजीशन पे आ जाता है यानी कि पूरे एशिया का सेकंड डेवलप्ड नेशन बन जाता है और साथ ही साथ चाइना एंड ताइवान के बीच में जो रिलेशन था वो अभी काफी हद तक इंप्रूव हुआ है सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक सो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है द स्टोरी ऑफ कोरिया सो इस टॉपिक में हम लोग कोरिया के स्टोरी के बारे में जानेंगे सो कोरिया कहाँ पे है सबसे पहले हम लोग मैप में ये देख लेते हैं सो दिस इज द मैप ऑफ कोरिया सो कोरिया बेसिकली चाइना से ही अटैच एक कंट्री है एंड कोरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है सो जो पार्ट चाइना से अटैच है एंड जो कि नॉर्थन साइड में है सो उसको नॉर्थ कोरिया कहा जाता है एंड जो पार्ट सदर्न साइड में है उसको साउथ कोरिया कहा जाता है सो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कोरिया के स्टोरी के बारे में और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे क्या पहले कोरिया एक ही हुआ करता था यानी कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया क्या पहले एक ही हुआ करता था एंड अगर वो एक हुआ करता था देन क्या वो रीजनस थे जिसकी वजह से पूरा जो कोरिया था वो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया

कोरिया को रूल करने वाला जो जोशियन डायनेस्टी था जो कि कोरिया का लास्ट रूलिंग डायनेस्टी था एंड ये जो डायनेस्टी था जोशियन डायनेस्टी ये बेसिकली कोरिया को थर्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू से लेकर नाइनटीन हंड्रेड एंड टेन तक रूल करता है सो ये जो जोशियन डायनेस्टी था ये बेसिकली कोरिया में इंटरनल पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्राइफ को फेस करता है यानी कि कोरिया का जो पॉलिटिक्स था सो कोरिया के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो रहा था और साथ ही साथ कोरिया का जो सोसाइटी था उसमें भी

छोटे कंट्रीज़ को अपना कॉलोनी बनाने के लिए चाह रही थी सो so, जो चाइना था जापान था एंड जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी सो so ये सारे ही कंट्रीज़ कोरिया को भी अपना कॉलोनी बनाना चाहती थी सो so, इसी वजह से कोरिया को रूल करने वाला जो जोशियन डायनेस्टी था वो इंटरनल प्रॉब्लम को भी फेस करता है और साथ ही साथ एक्सटर्नल प्रॉब्लम को भी फेस करता है सो so, इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए इसी टाइम पीरियड के दौरान ये जो कोरिया था यानी कि ये जो जोशियन जो डायनेस्टी था जो कि कोरिया को रूल करता था सो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया सो हर एक कंट्रीज़ के लीडर्स को पता था कि अगर हमें कॉलोनाइजेशन से बचना है सो उसका जो तरीका है उससे बचने का जो उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम अपने कंट्री को भी डेवलप करें हम अपने कंट्री को भी मॉडर्न बनाएं सो इसी लिए बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन रिफ़ॉर्म्स को भी इम्प्लीमेंट किया जाता है कोरिया में इन द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर यानी कि कोरिया का जो गवर्नमेंट था गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था उसमें रिफॉर्म्स लाया जाता है उसमें चेंजेस लाए जाते हैं सुधार लाए जाते हैं और साथ ही साथ जो डेप्लोमेटिक रिलेशन था यानी कि दूसरे कंट्रीज के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशन था जो राजनीतिक संबंध था उसको उसको भी मजबूत बनाया जाता है उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं सुधार किए जाते हैं और इवन कोरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कोरिया का जो सोसाइटी था उसमें भी रिफॉर्म्स लाया जाता है उसमें भी चेंजेस लाया जाता है सो आफ्टर डिकेट्स और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सो बेसिकली जो जापान था वो कोरिया के पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था सो so बहुत सालों के इंटरफेरेंस के बाद करीब दस सालों तक जो जापान था वो कोरिया के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता था एंड फाइनली नाइनटीन हंड्रेड एंड टेन में जो जापान है वो कोरिया को एनेक्स कर लेता है यानी कि कोरिया को कंट्रोल कर लेता है कोरिया को अपना कॉलोनी बना लेता है एंड कोरिया को रूल करने वाला जो, जो जोशियन डाइनेस्टी था जो कि करीब हंड्रेड ईयर्स तक कोरिया में रूल करता है सो उनका जो रूल था वो कोरिया में खत्म होता है एंड कोरिया जापान का एक कॉलोनी बन जाता है कोरियन पीपल वेर एंग्री अबाउट जापान सप्रेशन ऑफ देयर कल्चर एंड फोर्स एसिमिलेशन सो so कोरिया के जो निवासी थे कोरिया के जो सिटीज़न थे जो कोरियन पीपल थे वे लोग बहुत ज़्यादा एंग्री थे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे सो so पहला चीज़ तो ये कि जापान ने कोरिया को अपना कॉलोनी बना लिया कोरियन जो पीपल थे उन लोगों के ऊपर अब जापान कंट्रोल कर रहा था और साथ ही साथ जो जापान था वो कोरिया का जो कल्चर था उसको भी सप्रेस कर रहा था यानी कि कोरिया का जो कल्चर है जो ट्रेडिशन है उसको भी दबा रहा था और अपने कल्चर को बेसिकली उन लोगों के ऊपर इम्पोज कर रहा था सो जो कोरियन पीपल थे उन

रूल था वो खत्म होता है यानी कि किस तरीके से कोरिया में जो जापान का रूल था वो खत्म होता है सो द जापानीज कॉलोनियल रूल एंडेड इन अगस्त इन द सेकेंड वर्ल्ड सो बेसिकली कोरिया में जापान का जो कॉलोनियल रूल था वो 35 फाइव ईयर्स के बाद खत्म होता है 1945 में सो बेसिकली जापान ने 1910 में कोरिया को अपना कॉलोनी बनाया था कोरिया के ऊपर अपना एनेक्सेशन किया था उसको कंट्रोल किया था एंड 1945 में जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में हार जाता है सो so उस टाइम पीरियड में कोरिया के ऊपर जो जापान का कॉलोनियल रूल था वो खत्म होता है सो so ऐसा नहीं था कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान डिफीट हो जाता है देन जापान डिफीट होने के बाद उन्होंने जिस जिस कंट्रीज में अपने कॉलोनी को स्टेबलाइज करके रखा था उन सारी कंट्रीज को छोड़ देता है उन सारी कंट्रीज को फ्रीडम प्रोवाइड कर देता है नहीं बल्कि ऐसा नहीं था बल्कि जो जो कंट्रीज जापान के कॉलोनी के अंडर में था वे लोग भी बहुत ज्यादा एफर्ट करती है ताकि वे लोग जापान के कॉलोनियल रूल से फ्री हो सके सो so, बेसिकली जो कोरियन पीपल थे जो कोरियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे जो कि कोरिया के

बट ये जो डिवीज़न था वो कुछ टाइम के लिए ही था सो so जो नॉर्थ कोरिया था नॉर्थ कोरिया को बेसिकली जो सोवियत यूनियन था यानी कि जो यू था वो मैनेज कर रहा था एंड साउथ कोरिया को मेनली यू यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था जो कि बेसिकली यू के द्वारा बनाया गया था सो यू साउथ कोरिया को मैनेज कर रहा था बट ये जो डिवीज़न था बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ये जो डिवीज़न था ये परमानेंट हो गया एडपरेट गवर्नमेंट विल स्टेबलाइज इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी एट सो बेसिकली नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव में कोरिया को इंडिपेंडेंस मिला एंड कुछ सालों के लिए कोरिया को डिवाइड कर दिया गया बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया बट ये जो डिवीजन था ये परमानेंट हो गया क्योंकि अब नॉर्थ एंड साउथ कोरिया दोनों ही कंट्रीज में अलग अलग गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1948 एंड so, सो 1948 के बाद से ये जो डिविज़न था ये एकदम परमानेंट हो गया एंड दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर लाइन है जो डिवाइडिंग लाइन है उसको बेसिकली थर्टी एट कहा जाता है सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अब पोस्ट वार नेशन सो so, इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब कोरिया में वार होता है सो so वार होने के बाद कोरिया जो नेशन था जो कंट्री था वो किस तरीके से अपने आप को रिवाइव करता है सो so, सबसे पहले हम लोग कोरियन वार के बारे में पढ़ते हैं जो कि हुआ था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1950 एंड 1953। एंड सो बेसिकली जून 1950 में कोरिया में एक वार होता है जिसको कोरियन वार कहा जाता है सो so, ये जो वार था ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में हुआ था एंड ये वार तीन साल तक रहता है नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक सो विथ साउथ कोरिया रिसीविंग सपोर्ट फ्राम यू एस लेट यूनाइटेड नेशन फोर्सेज एंड द नॉर्थ कोरिया रिसीविंग सपोर्ट फ्राम कम्युनिस्ट चाइना इट डेवलप्ड इन टू अंटेज प्रोक्सी वॉर ऑफ द कोल्ड वार एरा सो बेसिकली जो साउथ कोरिया था उसको कौन सपोर्ट कर रहा था सो साउथ कोरिया वॉज सपोर्टेड बाय द यू एन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि यू एस द्वारा बनाया गया था अमेरिका द्वारा बनाया गया था

वार में भी हमें एक आइडियोलॉजिकल वार देखने को मिला कि कम्युनिज्म ज्यादा अच्छा है या फिर कैपिटलिज्म ज्यादा अच्छा है सो इसीलिए कोल्ड वार के टाइम पीरियड में कोरियन वार एक प्रॉक्सी वार बन गया एंड फाइनली जुलाई 1953 में ये जो वार था वो खत्म होता है आफ्टर इयर्स यानी यानी कि कि साल के in an armistice agreement, यानि एक agreement के बाद इन एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट एक थ्रू इस वार को खत्म किया जाता है एंड इस वार में बेसिकली दोनों कंट्रीज में से किसी भी कंट्री का जीत या फिर हार नहीं होता है सिंपली एक एग्रीमेंट के थ्रू इस वार को खत्म कर दिया जाता है बट ये जो डिविजन था बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ये डिविजन खत्म नहीं होता है कोरिया रिमेन डिवाइडेड यानी कि कोरिया

कोरिया में जो बाद में फ्री मार्केट इकनॉमी का डेवलपमेंट हुआ एंड कोरिया का जो गवर्नमेंट था उसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज किया गया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेबलाइज किया गया सो so इस चीज़ को करने में भी बहुत ज़्यादा डिले हो गया सो यहाँ पर बेसिकली साउथ कोरिया की बात की जा रही है सो so वार के बहुत साल बाद बेसिकली साउथ कोरिया में फ्री मार्केट इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाता है सो so इस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है यानी कि अगर ये कोरियन वार नहीं हुआ होता अगर ये तीन साल का वार नहीं हुआ होता देन कोरिया में साउथ कोरिया में बहुत पहले ही एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और साथ ही साथ डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हो गया होता सो so, इस वार की वजह से कोरिया में जो प्राइजेस थे गुड्स के वो भी सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है मेनली ड्यू टू इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की वजह से क्योंकि बेसिकली जब किसी भी कंट्री में वार होता है द नेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिस बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है बेसिकली डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है और साथ ही साथ करेंसी भी इशू किया जाता है वार के टाइम पीरियड में सो so, इस वार की वजह से बेसिकली कोरिया में इन्फ्लेशन होता है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड गुड्स का जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ कोरिया में जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज था जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बाय जापान सो ऐसा नहीं था कि जापान ने जब कोरिया को अपना कॉलोनी बना लिया था सो so कोरिया में उन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट्स वगैरह नहीं किए थे नहीं ऐसा नहीं था बल्कि जब जापान ने कोरिया को अपना कॉलोनी बनाया सो so उस टाइम पीरियड में उन्होंने कोरिया में भी कुछ डेवलपमेंट्स किए कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह को सेटअप किए कोरिया की इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पीरियड में यानी कि जब जापान ने कोरिया को अपना कॉलोनी बनाया था सो उस टाइम पीरियड में कोरिया में जो कुछ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था जो कुछ भी इंडस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन हुआ था सो इस वार की वजह से कोरिया में वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया एंटायरली यानी कि कम्प्लीटली साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया में जितना भी डेवलपमेंट हुआ था जितना भी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ था जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है सो एज अ रिजल्ट क्या होता है जो साउथ कोरिया था उसको अगेन डिपेंड होना पड़ता है ऑन द यूएस ए फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी कि इकोनॉमिक हेल्प के लिए बेसिकली साउथ कोरिया को अमेरिका जैसे देशों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अमेरिका जैसे देशों के ऊपर बेसिकली वे रिलाई करती है इन सारे देशों से वो हेल्प मांगती है इकोनॉमिक हेल्प मांगती है ताकि यूएसए बेसिकली साउथ कोरिया का हेल्प करे उनके इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उनके इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सो so विदेश हमारा ये सब टॉपिक कम्प्लीट होता है सो नाउ लेट्स मूव टेक्स्ट सब टॉपिक सो नेक्स्ट टॉपिक में हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बता रखा है यानी कि जब साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया जाता है देन क्या होता है सो बेसिकली साउथ कोरिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था शिंग मैन री सो so उनको 1948 में इलेक्ट किया जाता है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी कि साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज किया जाता है एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू बेसिकली साउथ कोरिया के पहले प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है 1948 में बट आफ्टर द कोरियन वार सो जैसे ही 1953 में कोरियन वार खत्म होता है देन ये जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था शिंग मैनरी सो ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन ईयर को एक्सटेंड कर लेते हैं यानी कि बढ़ा लेते हैं सो so, जैसे कि हर एक कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है अगर वो रिपब्लिक कंट्री है देन तो उसका जो रूलिंग टाइम पीरियड रहता है वो कुछ ही साल तक रहता है जैसे कि हमारे कंट्री में फाइव ईयर्स तक है सो बेसिकली साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे एंड उनका जो रूलिंग टाइम पीरियड था उस रूलिंग टाइम पीरियड को उस एडमिनिस्ट्रेशन ईयर को वो एक्सटेंड कर लेते हैं उसको बढ़ा लेते हैं वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार थ्रू इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किया जाता है कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं वो भी इलीगल तरीकों से और ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन ईयर को बढ़ा लेते हैं दो बार सो so इसकी वजह से क्या होता है कोरिया के जो लोग थे साउथ कोरिया के जो सिटीजन थे लोग अप्रीलटीन हंड्रेड एंड में प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द इलेक्शन यानी कि ये जो इलेक्शन हो रहा था ऐसा नहीं था कि इलेक्शन नहीं हो रहा था इलेक्शन तो हो रहा था बट बहुत ही अनफेयर तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि जो सिंग ही है उसी को अगेन प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाए सो बहुत ज्यादा अनफेयर इलेक्शन हो रहा था टू विन सो इसीलिए ये जो रेड इलेक्शन था इसके खिलाफ सिटीजन ने प्रोटेस्ट किया एंड इसी को अप्रिल रेवोल्यूशन कहा जाता है सो इस प्रोटेस्ट के बाद क्या होता है जो रीत उनको फोर्स किया जाता है कि आप अपने प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन कर दो सो so, इस रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है सो so, इस रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर जो लोगों का स्प्रिट था यानी कि जो लोगों का भावना था जिन्हें बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया था ड्यूरिंग द री एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि री का जब रूलिंग टाइम पीरियड था सो so उस रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान ऐसे कोरियन पीपल जिनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया था जिनके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया था सो so उनके मन में जो एक स्प्रिट था जो भावना था वो बेसिकली इस रेवोल्यूशन के बाद डिमॉन्स्ट्रेशन एंड डिमांड्स के रूप में इरेप्ट होता है यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदेश या या फिर या फिर डिमांड्स आप कह सकते हैं विद्रोह के रूप में उभर कर आता है सो हे द डेमोक्रेटिक पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन विच टूक पावर आफ्टर रिज रेजिग्नेशन कुड नॉट to internal टू सिटीजन डिमांड इंटरनल डिविजन एंड अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं देन उसके बाद साउथ कोरिया को कौन गवर्न करता है सो बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी साउथ कोरिया को गवर्न करता है सो डेमोक्रेटिक पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के रूलिंग टाइम पीरियड में जो सिटीज़न थे साउथ कोरिया के जो लोग थे उनके डिमांड्स को अच्छे से ये पार्टी के जो मेम्बर्स थे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं उनके डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं ड्यू टू इंटरनल डिविजन एंड कंफ्लिक यानी कि ये जो पार्टी था इसी पार्टी में कुछ इंटरनल डिविजन हो रहा था कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा था सो इसी वजह से इस पार्टी के जो मेंबर्स थे वे लोग साउथ कोरिया के सिटीजन के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं सो so, इसकी वजह से साउथ कोरिया में हमें मिलिट्री कोप देखने को मिलता है सो so, कोप का मतलब क्या होता है जब जो मिलिट्री है अगर वो किसी भी कंट्री में पावर को सीज कर लेते हैं फोर्सफुली देन उसे को मिलिट्री कोप कहा जाता है सो साउथ कोरिया में बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था बट जब कोई भी पार्टी अच्छे से उस गवर्नमेंट को रन नहीं कर पा रही थी देन इसके बाद क्या होता है साउथ कोरिया में हमें मिलिट्री कोप देखने को मिलता है यानी कि जो मिलिट्री थे उन्होंने फोर्सफुली साउथ कोरिया में पावर को सीज कर लिया सो साउथ कोरिया के जो रिफॉर्मिस्ट थे यानी कि सोसाइटी में इमर्ज है, 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 so होते हैं एंड इवन साउथ कोरिया के जो स्टूडेंट्स थे वे लोग भी मूवमेंट करते हैं एंड जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट था वो एक यूनिफिकेशन मूवमेंट में ग्री हो जाता है सो दिस वाज नॉट लुक्ट अपन अथॉरिटीज सो साउथ कोरिया के जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ थे सो so उनके द्वारा ये सब कुछ बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा था अच्छा नहीं लग रहा था यानी कि साउथ कोरिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था इतना ज्यादा मूवमेंट्स हो रहा है इतना ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स का इमरजेंस हो रहा है सो so इसकी वजह से जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ थे उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था सो so इसीलिए मैं नाइनटीन में साउथ कोरिया को रूल करने वाला जो डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट था उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है इन अ मिलिट्री कोप यानी कि जो मिलिट्री थे उन्होंने साउथ कोरिया को फोर्सफुली सीज कर लिया साउथ कोरिया के पावर को फोर्सफुली सीज कर लिया एंड उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को ओवरथ्रो कर दिया बाय जनरल पार्क चुंग ही एंड अदर मिलिट्री अथॉरिटीज एंड ये जो मिलिट्री कोप हुआ था ये किनके द्वारा हुआ था सो so बेसिकली एक जनरल थे जिनका नाम था पार्क चुंग ही सो इन्हीं के लीडरशिप में एंड इवन कुछ जो

हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा सो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ये तीनों ही टॉपिक समझ में आ गया होगा सो so, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्ट का इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है देन प्लीज चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सो नाउ सी ऑल सिन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाईन स्टेट यून विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो